हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन के 31 ईयर प्रॉब्लम। मैं आपको पहले इसका इम्पोर्टेंस वगैरह बता चुका हूं, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है 31 ईयर क्वेश्चन करना और उसके आसपास के रिलेटेड क्वेश्चन करने, उसके आसपास की थियरी समझना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलो अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो 1D का, वो बहुत ही इजी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। 2020 में आया था, इसको देखो। इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया यार, ठीक है। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हमने एक ड्रॉप नहीं किया ना, थ्रो कर दिए प्यारे बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिए। अब जब ये जस्ट हिट करने वाला ग्राउंड को, तो 80 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है फिजिक्स में, जब मोशन स्टार्ट होता है, जब टाइम जीरो होता है, उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मैं मोशन यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा टाइम जीरो वाली लाइन है, यहाँ से टाइम जीरो और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट सब कुछ काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर मुझे ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये पूछ रहा कितनी जो बिल्डिंग की हाइट है इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी काइनामेटिक्स 1D के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है, काइनामेटिक्स 1D के जो भी प्रॉब्लम बनेंगे, उस प्रॉब्लम में सिर्फ एंड सिर्फ 4 कैटेगरी के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना। पहला जो है, जहाँ पर एक्सलेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम होंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन के प्रॉब्लम होंगे तो यू और वी हमेशा बराबर होते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले इन आइडेंटिफाई करेंगे कि इन 1D के क्वेश्चन आया कि इन चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। एक है एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होगा, जहाँ वेलासिटी वेरिएबल होगी, क्लियर है। इसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, ठीक है, क्लियर है। दूसरे कैटेगरी का प्रॉब्लम हो गया, तीसरे कैटेगरी में हमने आ जाए, यहाँ एक्सलेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, और वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी होगी, ठीक है, एक्सलेशन वेरिएबल होगा। इस कैटेगरी में हमें कैलकुलस लगाना होता है, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, कैलकुलस से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चौथी कैटेगरी है, वो है ग्राफ का, ग्राफिकल प्रॉब्लम आएंगे। अब ग्राफिकल प्रॉब्लम तभी आप कर पाओगे जब आप इधर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, स्पीड वेलोसिटी उसकी प्रॉपर्टी क्लियर हो, कैसे वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करते हैं, इक्वेशन का हेल्प लो, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इन चारों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में प्रॉब्लम होगा ही होगा यार, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कैलकुलस वाला क्या करोगे। जब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेंगे तो आपको पोजीशन वेलोसिटी एक्सलेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन कब डिफरेंशिएशन यूज करोगे, इधर नीचे आओगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी एक्सलेशन निकालोगे तो डिफरेंशिएशन यूज करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करोगे, और अगर उल्टा जाओगे तो इंटीग्रेशन यूज करोगे, ये वाला सिंबल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपको किस कैटेगरी का है और कैसे करना है। अभी इन चारों में से ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम, जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगते हैं। तो अगर एक कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, मोशन अंडर द ग्रेविटी कॉन्स्टेंट एक्सलेशन का प्रॉब्लम है। हम पेन को ऊपर फेंक दें, नीचे फेंक दें, किधर भी गिरा दें, जब तक ये हवा में रहेगा तब तक एक्सलेशन नीचे ही लगेगा, ठीक है, एयर को कंसीडर नहीं किया जाता जब तक बताया नहीं जाएगा। चलो तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन से इक्वेशन है यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बोलो। यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इन्हीं दोनों इक्वेशन से ये बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट होगी, कॉमन सेंस की बात है। क्या दोनों लगेंगे, अरे भैया बने हैं तो लगेंगे क्यों नहीं, लगाने आना चाहिए ना यार,
ठीक है, जब बना है तो लगेगा क्यों नहीं, दोनों लगेंगे ठीक है, लेकिन हमें कौन सा लगाने में ज़्यादा फायदा है, किससे टाइम ज़्यादा बचेगा, ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस ही और तुम्हारी बुद्धि ही बताएगी उस वक्त। अगर मैं पहला वाला लगाता हूँ तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए, जो कि दिया हुआ टाइम भी चाहिए, टाइम दिया नहीं है कहीं, निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकलेगा, बी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ ये, उसके बाद ला के रखोगे, दो स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर तुम ये वाला लगा देते हो तो पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा भैया, पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं ये लगा देता हूँ, पहले स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूज होते हैं साइन को लेके उनको दिक्कत होता है। देखो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर की साइन ऑटोमेटिकली आप ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। अगर आप राइट साइड वेक्टर पॉजिटिव ले लिए हो तो लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, और यही कॉन्सेप्ट पूरी काइनेमेटिक्स पूरे फिजिक्स में चलता है। आप वेक्टर के साइन ये क्वेश्चन में बदल नहीं सकते यार, बदलोगे गलत हो जाएगा। मान लो मैंने इस क्वेश्चन में जो भी वेक्टर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर मैं उनको पॉजिटिव ले लिया तो जस्ट अपोजिट मैं नेगेटिव ही कंसीडर करूंगा। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो मुझे नीचे निगेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये साइन है वेक्टर का। चलो अब जिसको निकालना होता है उसकी साइन कभी नहीं रखते हैं, कभी नहीं, वो तो बाद में कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा ना कि वो किधर है, प्लस है कि माइनस है। अब इस प्रॉब्लम में मैं थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा दूं तो ये वेलोसिटी वेक्टर नीचे है और ये भी नीचे है, बिल्डिंग की हाइट भी नीचे है, मुझे नहीं पता कि बिल्डिंग हाइट नीचे, वो तो निकालना ना हमें, तो माइनस 80 का स्क्वायर और माइनस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और माइनस जी 10 और बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64 माइनस 400 ऑन डिवाइडेड बाई माइनस 20 दैट इज हाइट एच, तो जीरो ने जीरो को ख़त्म कर दिया, 400 300, तो ये आ जाएगा माइनस 300 मीटर, ठीक है। तो ये जो माइनस 300 का बता रहा है कि जो बिल्डिंग है जहाँ से आपने मोशन काउंट करना स्टार्ट किए हो, यहाँ से माइनस साइन का मतलब है यहाँ से बिल्डिंग नीचे ही होगी, ऊपर नहीं जा सकते, बिल्डिंग ऊपर नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ से जो बिल्डिंग है, यहाँ से हमने बिल्डिंग 300 मीटर नीचे चले आओगे तो बिल्डिंग होगी ये, माइनस साइन बता रहा है केवल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग 300 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि